आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए खिलौना बैंक बनाने के लिए आज से रीवा जिले में अभियान चलाया गया। इस दौरान आम जनता से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को स्वेच्छा से खिलौने प्रदान करने की अपील जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने की। हम आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 मई यानी आज से प्रदेश की राजधानी भोपाल में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को खिलौने, पुस्तकें तथा पठन पाठन सामग्री संग्रहण अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। आपके घर में यदि छोटे बच्चों के खेलने योग्य खिलौने तथा पठन पाठन सामग्री उपलब्ध है तो उसे निकटवर्ती आंगनबाड़ी केंद्रों अथवा महिला एवं बाल विकास के परियोजना कार्यालयों को प्रदान करें, जिससे वह खिलौने बच्चों के काम आ सके। आंगनबाड़ी से जन समुदाय को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम सभी आंगनबाड़ी से जुड़े, जिससे कि आंगनबाड़ी की सेवाएं बेहतर हो, आंगनबाड़ी में जो बच्चे माताएं आ रहे हैं उनको बेहतर सेवाएं दी जाए ये सुनिश्चित हो, और जो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन भी दें, जिसके कारण कि आपका जुड़ाव आंगनबाड़ियों से बेहतर हो। इसी श्रृंखला में आज प्रदेश भर में आंगनबाड़ियों के लिए खिलौने संग्रहित करने का एक विशेष अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसकी शुरुआत करेंगे। रीवा जिले के सभी लोगों से हमारी ये अपील है कि आप भी इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आप अपनी जो आपके पास ऐसे खिलौने हों जिसका अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है और वो अच्छे स्थिति में हो, तो उन्हें आप समीप के आंगनवाड़ी में या परियोजना अधिकारी जो हैं या जिला में कलेक्टर कार्यालय में जो कक्ष निश्चित किया गया है वहाँ पर दे करके और इसमें अपना भूमिका अदा कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी के इस अभियान को सफल बनाएं और अपने बच्चों को और अपने परिवार के लोगों को इस आंगनवाड़ी के अभियान से जोड़ें।